गाइस आए हो ना तो पूरा वीडियो देख के जाना, अंत तक देख के जाना, पूरा देख के जाना। पीछे मेरा कोई पड़ा है भी मिलता है ओहो। तो गाइस आज इस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, पता ही चल गया होगा टाइटल को देख के, वो है नेपोटिज्म। यार अभी आपने नर्सरी के बच्चे से जाके पूछ लोगे नेपोटिज्म क्या है, वो भी बता देगा। आज से पहले किसी को इतना पता नहीं था, लेकिन अब सब बताएंगे। यह नेपोटिज्म का नाम बहुत गंदा बिक रखा है मार्केट में नाम ये। और ना आज हम जिस टैलेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो है कुछ नेपोटिज्म के बैड टैलेंट। ये नेपोटिज्म बुरा नहीं है, ऋतिक रोशन, आमिर खान और भी बहुत ऐसे एक्टर हैं जो नेपोटिज्म आए हैं, दे प्रूव देयर मेटल, वो यहाँ पे आके अपने आप को प्रूव किए। बट कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो नेपोटिज्म के बैड प्रोडक्ट हैं। क्या सोना, अनन्या, अर्जुन कपूर, अरे यार मैं एक साथ दिखाता हूँ आपको। ये सारे नेपोटिज्म के गंदे प्रोडक्ट, मतलब गंदा नहीं कह सकते यार, थोड़ा वियर्ड होगा, अनटैलेंटेड है। तो नेपोटिज्म बुरा नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, बस ये यार उसको ना सही तरीके से यूज करो। लेट्स टॉक अबाउट आर लाइक ट्यूटर की जो सेंसेशन है, जिन्हें जो ट्यूटर पे आके बेमतलब का कुछ भी बोल जाती है, ये बेरोजगार लोग करेंगे क्या। उनका ये कहना था एक इंटरव्यू में, but sort of nowhere else in any other film industries do actors talk about themselves as brands apart from India. Why do you think that is? I don't think that's true. People need to go in there and buy tickets, and they need to go and see me, like you know, because everybody's on social media right now. Everybody wants something quick, and everyone wants something that you know, something that's fun. And so why would somebody go and watch your movie? You need to be relevant in terms of what, bitch? Come again? और ये तो बस ये नहीं, मैडम अपने आप से इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि आप देखो इस क्लिप में, मतलब जो इंसान अच्छा एक्टर है वो अच्छा मतलब दिख नहीं सकता, मतलब इनडायरेक्टली वो कह रही है कि मैं अच्छी दिखती हूँ इसीलिए मैं अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूँ, अगर मैं थोड़ी बुरी दिखती होती तो मैं अच्छी एक्ट्रेस होती। वाओ, मतलब ऐसे जस्टिफिकेशन को आप क्या रेट दोगे 5 में से? मैं तो ऐसे जस्टिफिकेशन को 5 में से 5 दे दूंगा, मैडम ने अपने आप को प्रूव कर दिया। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला अनटैलेंटेड स्टार किड्स ऑफ बॉलीवुड, लेकिन ये इतने भी अनटैलेंटेड नहीं है भाई, दिस इज जस्ट अनफेयर टू कॉल देम अनटैलेंटेड। यहाँ पे हमारी सो कॉल्ड स्ट्रगलर ऑफ बॉलीवुड, जिसकी बहुत सी कहानी स्ट्रगल की सुनी होगी, पहले आप एक कहानी एक छोटे से क्लिप के थ्रू आप इससे जानने की कोशिश करिए, जिसमें हमारे सिद्धांत माने इनके क्या क्या ले लिए। ये क्लिप आपके लिए है। So you know it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. Yeah. अच्छा, तो आपने इनके स्ट्रगल के बारे में जान लिया। इनके फादर कॉफी विद करण शो में नहीं गए थे, धर्मा प्रोडक्शन नहीं गए थे, बहुत अच्छी ऐसी। तो इन्होंने पढ़ाई मुंबई की एक सरकारी स्कूल में 2 कपड़ों के साथ ही। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप चू हैं, क्योंकि मैडम टॉप के स्कूल से पढ़ी है, अब्रॉड से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने गई थी जो कि हो नहीं पाया, वापस लौट के आ गई। मैडम की पार्टीज शुरू से शाहरुख खान के फार्म हाउस पे हो रही हैं सुहाना खान के साथ, और इन्होंने सोकॉल्ड स्ट्रगल किया है। मैडम अगर आप स्ट्रगलर हो तो जैकी श्रॉफ को क्या कहेंगे हम, जितेंद्र कुमार को क्या कहेंगे हम, एंड व्हाट अबाउट अमिताभ बच्चन, व्हाट अबाउट अक्षय कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में आप क्या कहोगे जिसको नोटिस ही नहीं हुए वो किसी भी फिल्म में, और वो इस फिल्म में रोल ही मारे थे। जैसे लाइक मुन्ना भाई, MBBS, आजा नचले, बहुत सी ऐसी फिल्में जिसमें उनका रोल था और लोगों ने नोटिस नहीं किया उन्हें। मैडम स्ट्रगल उसे कहते हैं, और सिद्धांत भाई ने सही कहा, डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल। और इनका टैलेंट भी देखिए, वाओ। अनन्या आप एक्टिंग के अलावा और किस चीज में शौक रखती हैं आप, क्या आपको पसंद है? शौक, मैं एक्चुअली मेरे टांग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूं। हाउ क्यूट, इट्स माय टैलेंट, इट्स माय टैलेंट। Sure. Very nice. Oh, not bad. टैलेंट देख लिया ना आपने, मैडम जीभ से अपने नाक को टच कर रही है, दैट्स हर टैलेंट। वाओ, सो अमेजिंग। तो इस इंडस्ट्री में मैडम यही करके पूरी इंडस्ट्री में लोग आ जाते हैं, कुत्ते की आवाज़, बिल्ली की आवाज़ निकाल के भाई एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं। ये मैडम तो सोनम कपूर से भी एक कदम आगे जाएंगे। सोनम कपूर में एटलीस्ट ये तो था यार कि मतलब फैशन सेंस लाया था उन्होंने बॉलीवुड में, यार ना इनके पास कुछ है, बट स्टिल दे आर टू यंग टू जस्ट, काफ़ी यंग है। बट आई टेल यू वन थिंग, नेपोटिज्म बुरा नहीं है, फिर से कहूँ नेपोटिज्म में जो अनडिजर्विंग कुछ एक्टर्स या एक्ट्रेस है ना, मतलब स्टार किड्स हैं जिनकी वजह से डिजर्विंग को मौका नहीं मिल पा रहा है, वो बुरा है, जिसकी वजह से भी हमारे बॉलीवुड ने बहुत बड़ा लॉस होने हुआ है। लाइक लेट सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर थे अब नहीं रहे, तो इन्हीं सब चीज़ों के एक वो शिकार बने इन चीज़ों में, जिसकी वजह से उन्हें सफ़र करना पड़ा। बट आई मस्ट टेल यू कि यार ये ना चलता रहेगा। बट यार एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये पर्सनल लेवल पे जाके किसी को डीएम करना, किसी स्टार किड्स को या उनके पोस्ट पे जाके कमेंट करना, गाली देना, ये एक अच्छे सिविलाइजेशन का वो नहीं, शो नहीं करता, सिंबल नहीं देता। देखो मैं भी स्टार किड्स को हेट करता हूँ, सारे को नहीं, कुछ को जो डिजर्विंग नहीं है। लाइक यार डिजर्विंग में श्रद्धा कपूर इज डिजर्विंग, ऋतिक रोशन को आप हेट नहीं कर सकते। टाइगर श्रॉफ समहाउ मूवीज अच्छी होती है, देखने लायक होती है। और आमिर खान भी एक इसके स्टार किड है, उनका भी अच्छा है। लाइक अजय देवगन के फादर भी एक्शन डायरेक्टर थे, वो भी एक अच्छे डायरेक्टर है। तो हम सभी को जज नहीं कर सकते उस बेसिस पे। लाइक सैफ अली खान की माँ शर्मिला टैगोर भी थी बॉलीवुड में, सैफ अली खान भी समहाउ इज अ गुड एक्टर। बट प्रॉब्लम ये है ना यहाँ पे कि कुछ ऐसे एक्टर की मूवी जाके हम देखते हैं ना, लाइक वरुण धवन, यार वो बंदा ना कुछ ज़्यादा ही ओवररेटेड है। वो बंदा चाहता है वो इंसेप्शन का सीक्वल, लाइक इंसेप्शन का वो बनाएगा, क्या कहते हैं उसे, सॉरी, हिंदी डब्ड मूवी इन बॉलीवुड। तो आपको लगता है कि ही इज दैट डिजर्विंग कि वो उस लेवल की मूवी हिंदी में बनाएगा? यार मुझे तो लगता है बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं है। तो वैसे हम पे डिपेंड करता है, उन्हें पर्सनली जाके गाली देना, बहुत से कमेंट्स आपको मैं दिखाऊंगा, या फिर डीएम में गाली देना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अनफॉलो देम, ब्लॉक देम, बेवकूफ तो हम ही हैं। ये कुछ स्टैटिक्स देख लो आप, ये कुछ स्टार हैं जो अच्छे एक्टर्स हैं, इनके फॉलोअर्स देख लो इंस्टाग्राम पे, और ये कुछ गंदे एक्टर्स हैं, इनके फॉलोअर्स देख लो आप इंस्टाग्राम पे। आई मीन वाहियात एक्टर्स। यार कुछ ऐसे अच्छे अच्छे एक्टर्स इनके ना सारे फॉलोअर मिला दोगे ना, फिर भी अर्जुन कपूर के बराबर नहीं होता, अली भट्ट के बराबर नहीं होता। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम चेंजेस लाएंगे, हम बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट का मतलब होता है अगर आपको रियली बॉयकॉट करना है, ब्लॉक देम, अनफॉलो देम, उनके फिल्मों को बॉयकॉट करो ना, उनकी फिल्म आती है फिल्म मत देखो। उससे बड़ा बॉयकॉट क्या हुआ? सीधी सी बात है, कोई प्रोड्यूसर वहीं पर पैसा लगाएगा जहाँ से वो पैसा कमा सके। हम में क्या है, मसान जैसी फिल्म हम देखने नहीं जाते, टॉरेंट से डाउनलोड करके देख लेते हैं। अच्छी अच्छी फिल्म हम देखने नहीं जाते, तो क्या होगा? यही होगा ना। तो गाइज सीरियस ना बनाते हुए, आज के टाइम में बॉलीवुड में क्या है, नेपोटिज्म रॉक्स। बट हमें क्या करना है, आउटसाइडर रॉक्स, लाइक शाहरुख खान और नेपोटिज्म को शॉक्स करना है। थैंक यू गाइज। और हाँ, यहाँ तक देखो तो लाइक करके जाना, अगर यार कुछ भी खराब लगा ऊपर नीचे ले लेना, डिसलाइक करने का मन करे डिसलाइक जरूर करना, कमेंट कमेंट करके बताना, कमेंट बिल्कुल करना भाई, और शेयर भी करना। बहुत हो गया, बहुत स्ट्रगल कर लिया, पसीना देखे हो ना मेरा। सब्सक्राइब करके जाना यार, जाते हो अपने सब्सक्राइब हो जाना चाहिए।